आंधी इतनी तेज थी कि मतलब गाड़ियां सीधी चल नहीं पा रही थी, ना पड़ा और कई गाड़ियां भी गिर गई। मौसम बिल्कुल शांत था, बिल्कुल नॉर्मल मौसम था, लेकिन एकदम से 5 मिनट पहले से एकदम जो तेज आंधी चली उसमें देखने को मिला कि गाड़ियां चलते चलते गिर गई एक दो, और मतलब जो तेज धुंध आई उसके अंदर आके सोते ही बंद हो रही थी, और मतलब जो लोगों ने गमछे पहन रखे थे वो उड़ते हुए सड़कों पर जा रहे थे, और धुंध का जो प्रभाव एकदम से देखने को मिला वो आंधी इतनी तेज थी कि मतलब गाड़ियां सीधी चल नहीं पा रही थी, वो रुक रही थी, मतलब वो लहरती हुई नज़र आने लगी। मेरे को खुद को गाड़ी रोक के या साइड में रुकना पड़ा, और बस स्टैंड की स्थिति ये थी कि जो यहाँ पे झंडे और बैनर लगे हुए थे वो अपने आप तेज आंधी के कारण गिरते हुए देखने को मिले। अच्छा, रोड किस तरह से सन्नाटा हो गया था एकदम? एकदम से सन्नाटा ही हो गया, जो भी गाड़ी जयपुर रोड से होती हुई बस स्टैंड पर आ रही थी उनको रुकना पड़ा, और उनके उनको साइड में रुकना पड़ा क्योंकि तेज आंधी के कारण वो गाड़ी चलाने में असमर्थता हो रही थी, चाहे वो कार हो चाहे कुछ भी हो उसके अंदर इतनी दिक्कत आ रही थी, आगे बिल्कुल धुंधलापन आ रहा था आंधी के कारण, और बाइक को तो स्थिति हो रही थी कि वो लहर रही थी, ऐसी स्थिति के अंदर सबको रुकना पड़ा और कई गाड़ियाँ भी गिर गई। कैसी मिट्टी उड़ रही थी यहाँ पर? जमीन के ऊपर चाहे मिट्टी हो चाहे कंकड़ हो चाहे जो सामान था चाहे जो डब्बे और प्लास्टिक की बोतलें थी वो भी हमारे को ऊपर आसमान की तरफ उड़ती हुई नजर आई। नाम बताइए। रचित कछावा।